हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो की जो हमको 10 साल में 10 गुना रिटर्न बना के देने का दमखम रखता है। जी हाँ दोस्तों, इतना पोटेंशियल इसमें है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ 12 ग्रोथ स्टॉक्स की। ग्रोथ मतलब दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इसमें इस 12 कंपनीज में आपको लार्ज कैप कंपनीज, निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनीज नहीं दिखेगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ग्रोइंग पोटेंशियल थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी यू नो मार्केट कैप आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों में मार्केट कैप है। तो वो एक तरह से हमको एक यू नो स्टेबिलिटी देते हैं पोर्टफोलियो में, सिक्योर रखते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। तो वहाँ पर तो आपको SIP नहीं रोकनी है, लेकिन अगर हम बात करें जब मल्टी बैगर रिटर्न्स की, तो हमको दोस्तों थोड़ा सा हमको मिड कैप्स में जाना पड़ता है और ऐसे बिजनेस मॉडल्स में जाना पड़ता है जो कि आगे फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मैं आज 12 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जहाँ आप मार्केट दोस्तों करेक्ट भी हो ना तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके उठा सकते हैं। तो ये मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और हर कंपनी के बारे में बताऊँगा आपको ब्रीफ में। फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स दोस्तों आपको ऑलरेडी पता होंगे, इनके बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। तो सिर्फ हम आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा चीज़ों को और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। तो चलिए पहली कंपनी देखते हैं कौन सी है। पहली कंपनी है दोस्तों टाटा एलेक्साई। जी हाँ दोस्तों, टाटा एलेक्साई कंपनी आपको पता है IT सेक्टर से बिलोंग करती है और IT सेक्टर में ऑलरेडी दिग्गज हैं TCS जैसी, इंफोसिस जैसी, यू नो HCLTech जैसी कंपनीज, लेकिन वो सेम काइंड ऑफ बिजनेस में है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ, ये कंपनी मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपनी देखिए डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में तो है ही, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लेकिन कंपनी एक और सेगमेंट में EV स्पेस में कंपनी काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कंपनी यू नो एक्सटेंसिवली यू नो वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द EV स्पेस, जहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइप और आर्किटेक्चरल सोल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर उन पे काम कर रही है। और इस डोमेन में टाटा एलेक्सी दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि EV जो है फ्यूचर का दोस्तों एक ऐसा अभिन्न अंग होने वाला है जो कि बहुत अच्छा खासा यहाँ से ट्रैक्शन मिलने वाला है EV को। और आप इसके बारे में ऑलरेडी यू नो आपको पता चल ही रहा होगा मार्केट से। तो पहली कंपनी है टाटा एलेक्सी, तो गजब के यहाँ पर फंडामेंटल्स है, कंपनी के डेट फ्री कंपनी है, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों ये कंपनी जैसा नहीं है, आप मैंने आपको बताई तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके इनको खरीद लीजिए, एक बार थोड़ा सा अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा, उसके बाद ज़रूर आप इनमें डिसीजन ले सकते हैं, कंपनी बहुत ही बढ़िया है सारी। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। इसको क्या इंट्रोडक्शन दे दोस्तों, सबको पता है दीपक नाइट्राइट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक वेल्थ क्रिएटर है और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकती है फ्यूचर में भी, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट है दोस्तों जबरदस्त, जिन पे मार्केट अच्छा खासा पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। जैसे एक प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं इसका, तो सोडियम नाइट्राइट एक प्रोडक्ट है, इसका 80% का मार्केट शेयर है उसका। और एक ब्राइटनिंग एजेंट्स आता है जहाँ ये अच्छे बड़े बड़े FMCG कंपनीज को अपने जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। 70-75% का मार्केट शेयर है और फ्यूल एडिटिव्स में कंपनी काम करती है जहाँ पर भी 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स से कंपनी काम करती है जहाँ पर कि यू नो ऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट कैप्चर कर रखा है। और चाइना दोस्तों इम्पोर्ट जब से बैन हुआ है, दीपक नाइट्राइट बहुत ही ज़्यादा वहाँ से भाग रहा है, परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर के जो इसके ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट है काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। तो ज़रूर दीपक नाइट्राइट को आप कंसिडर कर सकते हैं, बेहतरीन फंडामेंटल्स है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। जी हाँ दोस्तों, केमिकल स्पेस से कंपनी बिलोंग करती है और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, और जितने भी बड़े FMCG ब्रांड्स हैं, चाहे HUL की बात करें, डाबर की बात करें, लोरियाल बात करें, PNG बात करें, सबको दोस्तों ये कंपनी अपने जो है केमिकल्स प्रोवाइड करती है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज। इसका वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारे चैनल पे आप पुराने हैं, हमको फॉलो करें, तो आपको पता होगा फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज में मैंने इसको कवर किया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और बहुत ही निचले स्तरों पर बताया था, आज ये बहुत ऊपर वहाँ से आ चुका है। तो आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा। तो ये है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, डेट फ्री कंपनी है, गजब के फंडामेंटल्स हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट है तीसरी कंपनी। चौथी कंपनी है दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, गैस सेक्टर का एक वन ऑफ दी यू नो डिसेंट और बेहतरीन पिक है ये, क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट है मुझे काफ़ी पसंद आता है, इसका जो काम करने का तरीका है। हालांकि आप देखेंगे MGL भी है, अडानी गैस भी है, लेकिन अडानी गैस काफ़ी भाग चुका है और MGL का जो जो एक्सपेंशन हो रहा है मुझे थोड़ा सा धीरे लग रहा है। लेकिन हाँ, MGL भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस का आप देखेंगे तो ये जो काफ़ी ज़्यादा
यू नो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, काफ़ी जगह पाइपलाइंस अपनी डाल रहे हैं, तो इंद्रप्रस्थ गैस वन ऑफ द बेस्ट पिक है, जहां पर आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और बात रही फ्यूचर की, तो गवर्नमेंट जैसा इनिशिएटिव ले रही है गैस बेस्ड इकोनॉमी का दोस्तों, तो यहाँ पर गैस सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको आगे परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और इंद्रप्रस्थ गैस वैसे भी ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, और इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा विजिबल है, बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। नेक्स्ट है भारती एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो यहाँ पर दो ही प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर मार्केट में डिओपॉली क्रिएट करते हैं, एक जियो एक भारती। वोडाफोन भी है, लेकिन वोडाफोन के दोस्तों फंडामेंटल्स बहुत ही वीक है, तो यहाँ पर इसका सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में इस वोडाफोन को कोई ना कोई एक्वायर कर लेगा, अगर इन्होंने अपने जो है डेट को कम नहीं किया या फिर अपने जो फंडामेंटल्स नहीं सुधारे। तो यहाँ पर डुओपॉली क्रिएट होती है भारतीय एयरटेल और जियो की, तो जियो में दोस्तों ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए रिलायंस है, तो ये तो डेफिनेटली ऐसे जो है ब्लू चिप्स हैं जिनको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारतीय एयरटेल मुझे अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कंपनीज ने अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन किए हैं इन कंपैरिजन टू जियो। एआरपीयू कंपनी का अच्छा हुआ है, कंपनी अब जो है अपने फंडामेंटल्स में धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रही है, अब जाके पॉजिटिव में आने लगा है इनके रेवेन्यू, एजीआर मामला भी सेटल हो चुका है। तो अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल को 4 डिजिट में लेके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 डिजिट में इसकी जो है स्टॉक की वैल्यू मैं देखता हूँ आने वाले समय में, मुझे ये बहुत ही बेहतरीन लगता है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का दोस्तों पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, और आगे आने वाले सालों में जिस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ रही है, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 79% के आसपास कर दिया गया है, गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, तो यहाँ से एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी ग्रुप का बेहतरीन मैनेजमेंट का एक बेहतरीन कंपनी ज़बरदस्त दोस्तों आपको ये पेनिट्रेशन दे सकती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो कई बार बना चुका हूँ, मुझे भी ये 4 डिजिट में बहुत जल्द जाती हुई दिखती है कंपनी, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बूम आ सकता है आगे आने वाले समय में, तो ये ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि LIC भी देखिए लिस्ट होगा इस साल, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं दोस्तों इंश्योरेंस की, वो मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करती हुई जा रही हैं, और ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अपना मार्केट शेयर को दोस्तों जो है लूज करती जा रही है। उसके पीछे रीज़न है एक प्लेटफॉर्म होता है इनका, बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ पर एक्सेस इनको हो जाता है, लेकिन LIC के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों HDFC लाइफ ज़रूर एक बेहतरीन पिक है, गजब के फंडामेंटल्स हैं, एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान फूड दोस्तों। यस, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक नए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े जो इनके FMCG के क्लाइंट्स हैं, तो वो सब होम केयर हो चाहे पर्सन केयर हो, HUL जैसी कंपनीज, बड़े बड़े यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है दोस्तों, PLI स्कीम आ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, अच्छा खासा 2 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आगे भी 5 सालों तक मुझे लगता है ये सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगा, और हिंदुस्तान फूड वन ऑफ द बेस्ट पिक है इसमें। एक और है दोस्तों ADF फूड, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी एक अच्छी पिक है, लेकिन हिंदुस्तान फूड यहाँ पर प्रिफर्ड बैट है, गजब के फंडामेंटल्स हैं, अच्छी कंपनी है, ज़रूर आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अगेन एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कंपनी काम करती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट हो सकती है आगे आने वाले 5-6 सालों में, तो यहाँ पर इस पर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। हालांकि अभी भी आप देखेंगे इसका PE काफ़ी वैल्यूएशन पे है, अभी भी हाईली वैल्यूड है, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि दोस्तों अब ये एक रेंज में आ रहा है अपनी, और जिस प्रकार अगर इसने अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर दिए अगली बार तो इसका EPS बढ़ेगा, EPS बढ़ने के बाद इसके जो है PE में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है बैलेंस होता हुआ दिखेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में रिसेंटली बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, आई होप उनको देख रहे होंगे आप, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन फंडामेंटल्स है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। नेक्स्ट है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक पाइप पाइपिंग सेगमेंट में और पाइप फिटिंग्स में, एडहेसिव में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट करके दे चुकी है। और फ्यूचर की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है हर घर नल से जल, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, अभी रिसेंटली एक मैंने मल्टी बैगर स्टॉक बताया था दोस्तों, नल से जल के तहत एक इनिशिएटिव के तहत एक मल्टी बैगर पोर स्टॉक मैंने बताया था, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर हमको फॉलो करते हैं तो वो कौन सा स्टॉक था जो मैंने बताया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो वो है एक कंपनी जो मैंने बताई थी। और बात करें एस्टल पॉलिटेक्निक की, तो एस्टल पॉलिटेक्निक दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, पाइपिंग सॉल्यूशंस की बात करें, तो जल नल से जल मिशन में एस्टल पॉलिटेक्निक बेनिफिट होता हुआ दिखेगा फ्यूचर में भी। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर रनअप इसने दिया है, स्प्लिट के बाद भी कंपनी अच्छा खासा करेक्ट हुई है, तो अच्छा खासा मौका यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर। जी हाँ दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर डुओपॉली है बाटा और रिलैक्सो। तो बाटा में से रिलैक्सो को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिफर्ड चॉइस मेरी रहेगी, क्योंकि वैल्यू सेगमेंट में रिलैक्सो आप देखेंगे तो ज़्यादा इसकी रीच है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और हाल ही में दोस्तों ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके साथ टाई अप कर रही है, और 70% से ज़्यादा इसके जो है प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। तो इस यू नो सेक्टर में ये कंपनी डिजिटल स्पेस में भी अच्छा खासा जा रही है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखेंगे स्कूल शूज़ में रिलैक्सो के काफ़ी प्रोडक्ट्स चलते हैं, पार्क्स फ्लाइट बहामास, अच्छे खासे इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। वैल्यू सेगमेंट में रिलैक्सो जो है बेहतरीन है, हालांकि बाटा भी है, लेकिन अगर एक चुनना होगा दोस्तों मैं रिलैक्सो को चुनूंगा, लेकिन दोनों बेहतरीन कंपनी है। नेक्स्ट है एम्बर एंटरप्राइजेज। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक और कंपनी जहाँ पर ये एसी जो है मैन्युफैक्चर करती है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, यू नो चाहे ब्लू स्टार हो, डाइकिन हो, हिटाची हो, और भी बहुत जो है कैरियर हो, बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके लिए कंपनी काम करती है, एसीज बनाती है। ये ब्रांड्स अपने सिर्फ लोगो लगा के उनको भेज देते हैं, लेकिन बनाता कौन है दोस्तों? एम्बर एंटरप्राइजेज। और जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी एक बूस्ट मिल रहा है, और चाइना से जो इंपोर्ट का बैन हुआ है, ऐसी कंपनीज को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत ग्रो हो सकती है, ये ग्रोइंग पोटेंशियल इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके फंडामेंटल्स है। तो है ये कंपनी एंडर एम्बर एंटरप्राइजेज। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज में, आपको पता होगा इसको, मैं कई मतलब बहुत निचले स्तरों से बता रहा हूँ, तो अगर आप हमको फॉलो करते हो तो आपको ये ऑलरेडी बेनिफिट दे रहा होगा। नेक्स्ट है एफएल इंडिया। इसको भी मैंने फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज में कवर किया था, करीब 1900 के लेवल से 2000 के लेवल से मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और आज देखिए ये 5000, 6000, 6500 तक को छू के आ चुकी है। हालांकि अभी भी देखेंगे तो आप काफ़ी हाईली वैल्यूड लग रही है कंपनी, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है इसमें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको जिस प्रकार की एक बिजनेस में है मोबाइल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में, मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छा खासा बढ़ने वाला है। एक मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था दोस्तों, मोबाइल यूजर्स काफ़ी अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं 2022 तक। और मोबाइल यूजर्स बढ़ेंगे दोस्तों, वो इंटरनेट का यूज़ करेंगे, और इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो सोशल मीडिया पर ज़रूर जाएंगे, और वहाँ पर उनको एड्स दिखेंगे, तो एफएल इंडिया को वहाँ पर डेफिनेटली जो है बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो रिस्की है, लेकिन अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी है। तो ये है दोस्तों 12 कंपनीज, आई होप ये आपको पसंद आया होगा एनालिसिस पूरी जो ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी है कौन सी नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, इन कंपनियों से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट वन था, हालांकि मेरे पास 30 कंपनीज थी, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने अभी आधे कंपनीज बनाई है। पार्ट टू अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आप नेक्स्ट वीडियो उसके लिए लाऊंगा आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।